नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी 21 जून 2023 को नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारौडा में मनाया गया। योग दिवस के मौके पर संस्था में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दिवस पर प्रातः 7 बजे से संस्था के प्रांगण में योगाभ्यास प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम विद्यालय प्रधानाचार्य मोहम्मद अख्तर नदीम एवं वरिष्ठ व्याख्याता सुरेश चंद निंदावत सहित सभी अध्यापकों ने मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व प्रधानाचार्य मोहम्मद अख्तर नदीम ने योग दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद सभी ने योगा अभ्यास प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम में संस्था स्काउट प्रभारी श्रवण राम मंडा, शारीरिक शिक्षक उपेंद्र सिंह चांदावत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारौडा खुर्द के प्रधानाध्यापक मदन चौधरी ने सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास कराए। योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जो संपूर्ण विश्व को भाईचारे की प्रेरणा देता है। इस परिप्रेक्ष्य में संस्था द्वारा सूर्य नमस्कार, विभिन्न पिरामिड, ताड़ासन, उष्ट्रासन, अर्धचक्रासन, वृक्षासन, नटराजसन आदि के माध्यम से सभी को योगा का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनों ने विभिन्न कठिन योगासनों का भी प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानाचार्य मोहम्मद अख्तर नदीम ने अपने उद्बोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों और जन समुदाय के बीच योग के विषय में सामान्य जागरूकता का प्रसार करना है, ताकि लोग योग के माध्यम से सामंजस्य एवं शांति प्राप्त कर सकें। योगाभ्यास प्रतिदिन यथाशक्ति यथासंभव अवश्य करना चाहिए, और आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अनेक ऐसे पल हैं जो हमारी स्पीड पर ब्रेक लगा देते हैं। हमारे आसपास ऐसे अनेक कारण विद्यमान हैं जो तनाव, थकान और चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं, जिससे हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसे में जिंदगी को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग एक ऐसी रामबाण दवा है जो माइंड को कूल और बॉडी को फिट रखता है। योग से जीवन की गति को एक संगीतमय रफ्तार मिल जाती है। संस्था के हिंदी व्याख्यात सुरेश चंद्र निंदावत ने बताया कि योग के जनक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये दिन पूरे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध के सभी देश सूरज के सबसे नज़दीक होते हैं और इस दिन को ग्रीष्म संक्रांति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत के योग को आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।